आइए हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड का नया सिलेबस जो कोविड-19 के प्रकोप की वजह से कम कर दिया गया है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हट गए और कौन कौन से इस समय हैं। तो ये तो सब आपका पुराना ही है, ठीक है, तो ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, है ना, विषय हिंदी पे ये इस तरीके का पाठ्यक्रम है। आप वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना कितना क्या क्या आना है। इसके बाद कौन कौन से चैप्टर हटे, क्या क्या हटा, मैं आपको इसकी जानकारी पहले दे देता हूँ, ठीक है। इसी बार मैं तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट की जानकारी देते हुए। देखिए ये प्रारंभिक हिंदी में आपका इतना हट गया है, क्या क्या हटा है आपका, आपका जो काव्य से देखिए ये अजंता भगवत शरण उपाध्याय का एक चैप्टर हट गया और सुमित्रानंदन पंत का एक चैप्टर हट गया। संस्कृत में आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा अन्योक्ति हट गया, ठीक है। व्याकरण में आपकी एक संधि कम कर दी गई और सर्वनाम में तद और युष्मद हटा दिए गए और दृश्य पश्च हटा दिए गए, ठीक है, ये हटा दिया गया। ये अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 30% के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें जो है कि आपका, आइए अब इंग्लिश में जान लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या हटा दिया गया। इंग्लिश में देखिए आपका प्रोज में आपके दो चैप्टर हटा दिए गए, प्रोज में आप देख सकते हैं टॉर्च बेरर हटा दिया गया, ठीक है, और ये पोएट्री में आपका जो है आवर इंडियन म्यूजिक, ठीक, सॉरी ये तो इसी का था प्रोज का ही, पोएट्री में आपका जो है जो द नेशन बिल्डर्स लिखा था RW इमर्जन ने, ठीक है, मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ चैप्टर, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा रिविजन में। और माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक जो है सप्लीमेंट्री में आपका ये चैप्टर हटा दिया गया, ठीक। इसके बाद आपका और ज़्यादा सिलेबस नहीं कम हुआ, लेकिन हाँ ये तीन चैप्टर से ही बच्चों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। और इसी क्रम में अगर देखें तो बाकी सिलेबस आपका जो है वो वैसे ही उसी तरीके से ही है। कितने नंबर का क्या आना है, वो 16 मार्क्स का जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है, 7 नंबर का पोएट्री से आना है और 2 मार्क्स का 12 मार्क्स का जो है सप्लीमेंट्री से, और ग्रामर में आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। ग्रामर में सारे वही चैप्टर हैं आपके, आप वीडियो देख रोक के आप देख सकते हैं कि क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना, ठीक है। इसी क्रम में अगर संस्कृत की बात करें तो देखिए संस्कृत जो बच्चे कर लिए हुए हैं तो संस्कृत में आपका क्या क्या हटा दिया गया, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। नए चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान से आप पढ़िए और अपने सिलेबस को जानिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस जानते ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है। साल भर यही प्रॉब्लम होती है कि उनके नंबर कम होते हैं या मार्किंग उनकी कम आती है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए बढ़ाता जा रहा हूँ सारी पूरी PDF के, आप रोक सकते हैं जहाँ पर आपको आपका सिलेबस या आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। वीडियो शेयर करना ना भूलें, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। देखिए आप गृह विज्ञान में देख सकते हैं, ठीक है, सोशल साइंस बोल रहा हूँ मैं, होम साइंस में देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या क्या है जो है, आप इसमें नीचे जो हटाए गए होंगे चैप्टर वो नीचे लिखे होंगे, बाकी आपका जो जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए साइंस की बात करते हैं, देखिए साइंस में क्या क्या है, तो साइंस में लगभग सारे चैप्टर आपके उसी तरीके से हैं, और उसमें देख लीजिए आपको एक हेडिंग भी बता दी गई है, धातु एवं अधातु आपका, ठीक है, कौन कौन से उसके अंदर क्या क्या हेडिंग है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरी जानकारी दे दी गई है कि इतना इतना ही सिलेबस में होगा, ठीक है। और रासायनिक पदार्थ का प्रगत का व्यवहार है ना, जैव जगत, ये सारे आप चैप्टर देख सकते हैं, वही पुराने ही चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर की ही कमी हुई, आपको यहाँ तक हेडिंग तक दे दी गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, पढ़िए पूरा, लेकिन आप रिवीजन इसका ज़रूर करें, इससे रिलेटेड एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट कार हैं, और उसके बाद देखिए अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैं छूटा क्या है इसमें, ठीक है ना, मतलब छोड़ क्या दिया गया, तो आप इसको अपनी नोटबुक से मिला लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हट गए हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है आपका। इसके बाद हिंदी इंग्लिश और साइंस मेन सब्जेक्ट जो मेजर सभी लोग ज़्यादातर लेते हैं, मैं फिर भी आपको सारे दिखा रहा हूँ एक एक करके क्रम से, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर सकें। उसके बाद है कृषि का है, ठीक है, जो भी नया सिलेबस आया है
इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धीरे धीरे आपको सिलाई वगैरह है इसके सब्जेक्ट, मैं धीरे धीरे आपको सभी एक एक इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। गणित में देखिए, गणित में आपके दो तीन चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं कि क्या क्या कम किया गया है। देखिए बीज गणित में बहुपद आपका हटा दिया गया है, ये देखिए मैथ के लिए, मैथ में जो है आपका वृत्त इस पर समांतर श्रेणी, ठीक है, और आपकी त्रिकोणमित में त्रिकोणमित सर्वसमिकाएँ, ठीक है, और प्रायिकता, ये आपके इतने चैप्टर हटा दिए गए, ये आपके हट गए हैं, अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बीजगणित में बहुपद भी हट गया है, ठीक है। बहुपद के जो शून्य द्विघात और गुणांकों में संबंधित मुद्दों के लिए विभाजन करते हैं कथन दसवां सामान्य प्रश्न, ठीक है। ये सारे आपके इनसे रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है समांतर श्रेणी भी हट गया, सर्वसमिकाएँ भी हट गई हैं ना, और उसके बाद अगर बात करें फिर ये देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। सबसे ज़्यादा आपका ज्यामिति से आना है, ठीक है, तो ज्यामिति अच्छे से पढ़ें, और इसके बाद त्रिकोणमित, मेंसुरेशन नीचे वाले चैप्टर, ठीक है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता एक में ही बोल दिया, लेकिन प्रायिकता आपकी हट गई है, ठीक है। सामान्य प्रश्न वगैरह सब हट गए हैं, आपको मेन मेजर चैप्टर ही बचा कर रखे गए हैं। तो ये आपने गणित का सिलेबस पूरा देख लिया, आप एक एक हेडिंग भी देख सकते हैं आपको किसके अंदर क्या क्या पार्ट पढ़ना है, ठीक है। रचनाएं में आप देख सकते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी बची हैं, सिर्फ तीन तरह की ही रचनाएं हैं आपके पास। इसके बाद त्रिकोणमित के परिचय में भी आप देख सकते हैं कन्वर्ट करने वाले सवाल हैं सिर्फ, और ऊंचाई दूरी से रिलेटेड भी ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन नहीं है, हाइट एंड स्टैंड के भी हैं। मेंसुरेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप सारी हेडिंग एक एक चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या बचाया गया है, ठीक है, और प्रोजेक्ट कार्ड भी देख सकते हैं। फिर आइए सामाजिक विषय पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सामाजिक विषय में देखिए क्या है, ये चीज़ कम कर दी गई है। इतिहास के अंश में कौन कौन से कम, औद्योगिकरण का जो युग था, ठीक है, औद्योगिकरण से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन गति उपनिवेश का औद्योगिकरण प्रारंभिक, ये आपके क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके ये सारे चैप्टर, ये मुद्रण संस्कृति आधुनिक विनिर्माण उद्योग, ये आपके और अर्थशास्त्र के अंश में मुद्रा एवं साख, ये चैप्टर आपके कम कर दिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सोशल साइंस भी आपका हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका बचता है और होम साइंस भी मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद भारत का, हाँ ये तो एक एक डिटेल वाइज है कि आपको कौन कौन सी हेडिंग है, किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा सिलेबस नया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, निश्चित है आपके नंबर जो है बहुत अच्छे आएंगे। इसे ध्यान से आप पढ़िए और सीखिए। सिलेबस आपका सिर्फ इतना ही है कि बच्चे जो है मनोबल उनका डाउन ना हो, वो अच्छे से पढ़ सकें, तैयारी कर सकें, इसलिए सरकार ने उनकी मनोभावनाओं को देखते हुए कॉन्फिडेंस लेवल ना कम हो बच्चों का, इसलिए किया है। चित्रकला में देखिए, जो बच्चे चित्रकला लेते हैं तो चित्रकला में आपका जो भारतीय चित्रकला का जो आगे का पार्ट होता था वो आपका कम कर दिया गया है, ठीक है ना। और प्रागैतिहासिक जो रटन वाले काम थे वो आपके जो है कम कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी तो आपका जो आता था एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण और एक आपका जो है प्राकृतिक बनाइए आलेखन, दो में से एक चॉइस आती थी, तो वो तो है आपका वैसा ही, ठीक है। दो स्मृति चित्रण बनाने को आते थे, वो हैं आपके तो देख लीजिए, सुराही बाल्टी लोटा अमृतवान केतली बोतल गिलास तथा तरकारी फल आदि, पेंसिल द्वारा रेखांकन करना है आपको। तो देखिए आपको यहाँ तक कि ये सब दे दिए गए हैं कि आपको बनाना क्या है, तो आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लें, आपके लगभग सारे हो गए हैं। बाकी इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको पीडीएफ, मैंने मेजर सब्जेक्ट आपको बता दिए। अब इसके बाद मैं वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, उसको अच्छे से पढ़िए, मैं आपको लिंक इसमें प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है।